हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको एक हॉल आज की वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ, और वो है मीशो शॉपिंग हॉल। मेरा मीशो शॉपिंग हॉल है और मैं आपको दिखाऊंगी मैंने मीशो से क्या क्या लिया है। तो उसके लिए आप पूरी एंड तक वीडियो देखना, और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो में विजिट मार रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने मीशो ऐप में लिया था वो है एक ब्लाउज, पैडेड ब्लाउज। लेट मी शो यू। ये देखिए, रेड कलर का ये ब्लाउज मैंने लिया था, ठीक है। और ये पैडेड है, सॉफ्ट पैडेड है, ठीक है। और कट स्लीव्स हैं, और अगर जो कट स्लीव्स नहीं पहनते हैं उनके लिए अंदर से इसमें स्लीव्स अवेलेबल है। ये देखिए, स्लीव्स अवेलेबल है। और ये इस तरीके से है, ये फ्रंट है, ये फ्रंट होगा, और आप इसे ऑल्टर करवा सकते हैं, ठीक है। और ये आपको अंडर 200 रुपीज़ मिल जाएगा, 200 के रेंज में मिल जाएगा। और इसमें 4 to 5 कलर हैं, ब्लैक भी है एंड पिंक है, बहुत सारे कलर हैं। तो और बहुत ही अच्छा इसका मोटा कपड़ा है, ऐसा भी नहीं है कि वर्थ नहीं है, बहुत बहुत अच्छी है, बहुत कम रेट में इतना अच्छा चीज़ मिल रहा है। इसकी एक ख़राबी ये है कि इन्होंने जब दिया तो मेंशन नहीं किया था, उन्होंने बस एक फ्रंट पिक दिखाई हुई थी, बैक पिक भी दिखाई हुई थी। लेकिन बैक पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे स्टिच था, इसको मैंने पूरा खोला है, और खोल के कोई हुक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मुझे मतलब कि इस पे ऑल्ट्रेशन का खर्चा भी और है, मुझे इसमें ऑल्ट्रेशन करानी पड़ेगी, टिच बटन लगाने पड़ेंगे, प्लस ऑल्टर कराना पड़ेगा अपने साइज़ का। अदरवाइज़ ये सही है, और ये इसमें जो पैडेड है सॉफ्ट पैड है, ठीक है। तो 200 में क्या आपको मिलेगा, अगर आप एक पैडेड ब्लाउज भी सिलवाने जाएंगे तो आपको 1000 से कम तो कोई बुटीक सिल के नहीं देगा, ठीक है। तो ये है फर्स्ट मेरी परचेज मीशो ऐप से। और आपको पता ही होगा मीशो जो ऐप है इंडिया की बेस्ट रीसेलिंग ऐप है। आप इसमें आप अर्न भी कर सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं। अर्न किस तरीके से कर सकते हैं, कोई किसी चीज़ का अगर मान लो किसी चीज़ का या किसी आइटम का प्राइस है, आप उस पर अपना मार्जिन ऐड करके, और शेयर के ऑप्शन आते हैं, इंस्टाग्राम में शेयर करना है आपको, व्हाट्सएप में शेयर करना है, किसी भी लिंक में शेयर कर सकते हैं, और उसमें अपना मार्जिन सेट करके आप अगर कोई आपसे वो परचेज़ करता है तो जो उसका मार्जिन है आपके अकाउंट में डायरेक्ट जाता है। तो इस तरीके से आप घर बैठे बैठे उससे पैसा भी कमा सकते हैं, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आप कितना मार्जिन रखो, मेरे ख्याल से 150 तक का मार्जिन आप उसमें फिट कर सकते हैं। तो चलिए फिर आगे मैं बताती हूँ। सेकंड मेरा ये है, मैंने एक वन पीस ड्रेस ली थी, देख सकते हैं, ब्लैक विथ पीच, इसमें भी एक दो कलर थे, और कपड़ा भी इसका काफ़ी मोटा है, तो मैं कपड़ा दिखा दूँ आपको। और ये मुझे एकदम फिटेड है, मुझे इसमें कोई ऑल्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं, ये इसका कपड़ा है, मुझे इसमें ऑल्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। और मीडियम इसमें, बस इसका क्या है, कोई भी टैग वैग नहीं है, बस इसमें मीडियम साइज़ लिखा हुआ है, कोई कंपनी का टैग नहीं है। बट अगर आप सेम ड्रेस अगर इसमें फॉर एग्जांपल लिबास का प्रोडक्ट होते हैं, आपके कुछ जो आइटम्स होते हैं ब्रांड के, उसमें टैग होता है, तो उस टैग का प्राइस होता है। अदरवाइज़ फैब्रिक वो लोग भी मेरे ख्याल से, मुझे लगता है, सेम ही यूज़ करते होंगे। तो स्लीव्स भी इसकी है, और एकदम मुझे ये बॉडीकॉन ड्रेस है, बिल्कुल नी लेंथ तक आएगी, और मुझे बहुत अच्छी लगी। इसका नेगेटिव पॉइंट कोई नहीं है, इसका पॉजिटिव ही पॉइंट है, एकदम फिटेड है, अच्छी है। और आप इसे चाहे विंटर में भी जैकेट वेयर कर सकते हैं, या फिर एज नॉर्मली समर में शूज़ के साथ भी कैरी कर सकते हैं, ठीक है। ये है 500 की ड्रेस है, 500 समथिंग की ड्रेस है, तो इतने कम रेट में इतनी अच्छी ड्रेस मिल रही है, गो फॉर इट। थर्ड मैंने एक क्रेप का सूट लिया था, ये देखिए, कलर बहुत अच्छा मुझे लगा, ये क्रेप का सूट है, और इसकी बॉटम ये है, ठीक है। बैक फ्रंट सेम है, प्लेन, बट ये प्लेन नहीं है, इसमें डिज़ाइन कुछ आप देख सकते हैं बना हुआ है, ठीक है। क्रेप का कपड़ा है, क्रेप का कपड़ा मुझे नहीं लगता समर में कोई कंफर्टेबल होगा क्रेप में, बट येस समर के बाद जो भी सीज़न आते हैं आप उसमें कैरी कर सकते हैं। क्रेप और रेयॉन का जो मुझे लगता है पर्सनली फॉल बहुत अच्छा आता है, लुक बहुत अच्छा आता है, कोई डिज़ाइन का पूरी दिखने में डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये इसकी कुर्ती है, ठीक है, ये इसकी कुर्ती है, और इसके साथ इसकी सलवार दिखाती हूँ प्रिंटेड, ये देखिए, ये इसकी सलवार है प्रिंटेड, जिस कलर का सूट है उस कलर की डिबियाँ इसमें बनी हुई हैं, देख सकते हो, स्क्वायर स्क्वायर डिबियाँ हैं, और प्लस ये धारियाँ बनी हुई है। और इसके साथ जो दुपट्टा आया है वो शिफॉन का, बहुत ही सॉफ्ट दुपट्टा आया है शिफॉन का, देख सकते हैं, देख सकते हैं आप ओवरऑल में दुपट्टे का लुक भी होता है। ये देखिए दुपट्टे का ये लुक है, ठीक है, ये इसका सलवार है, और ये इसका सूट है, ये दुपट्टा, ठीक है। तो ये कपड़ा जो इसका फैब्रिक है रेयॉन है, अदरवाइज ही मुझे बेस्ट लगा, मुझे इसका कलर बहुत प्यारा लगा। इसमें भी बहुत सारे प्रिंट है, रेयॉन में क्या, क्रेप के कपड़े में क्या होता है, बहुत सारे प्रिंट्स होते हैं, तो इसमें बहुत सारे प्रिंट अवेलेबल हैं, और प्राइस भी इसका कुछ ज़्यादा नहीं है, 350 इसका रेट है, बहुत ही कम प्राइस है, आप इसको भी देख सकते हैं।
और सबसे अच्छा नेक्स्ट मेरी है ये साड़ी, लुक एट दिस कलर, सो ब्यूटीफुल है ना। ये इसका पल्लू है, पल्लू में भी आप देखो टैसल्स लगे हुए हैं, टैसल्स लगे हैं पल्लू में भी। और सबसे प्रिटी तो इसका ब्लाउज़ है, जो मैं जिस चीज़ से अट्रैक्ट हुई, जिस चीज़ को मुझे देख के लगा ये लेनी चाहिए, ब्लाउज बहुत अच्छा लग रहा है, पार्टी वेयर लग रहा है। आजकल साड़ियाँ चल भी रही हैं सीक्वेंस में, देखिए इसका ब्लाउज़ है, अगर ये ब्लाउज़ बन जाए और ये साड़ी देखें वेयर करें तो कितनी अच्छी लगेगी, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो ये इसका ब्लाउज़ है, ब्लाउज़ इस तरीके से मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ, रिव्यू दूँ तो ऑनेस्ट रिव्यू पूरा इस तरीके से ही दूँगी। ये देखो पतला सा कपड़ा है इसका, लेकिन सीक्वेंस बने हैं आपके, उसको लाइनिंग लगानी पड़ेगी, ठीक है। ये ब्लाउज़ है और ब्लाउज़ के साथ ये पूरी साड़ी है, ऑल ओवर सेम डिज़ाइन है, डबल शेडेड है, ठीक है। और बीच बीच में गोल्डन, ये देखें गोल्डन लाइनिंग है, शिमरी गोल्डन लाइनिंग है, जो इसको ओवरऑल साड़ी को, साड़ी बहुत बेसिक है लेकिन जब आप पहनेंगे और पहन के जब ये गोल्डन जो लाइनिंग है शाइन मारेगी, प्लस आपका ब्लाउज़ का जो ये सीक्वेंस है शाइन करेगा, प्लस ये सोबर सिंपल सोबर साड़ी है और टैसल्स है बस इसमें। और ये पल्लू है, ये पल्लू हाँ, तो ये बहुत ही हल्की सिफॉन में साड़ी है, देखिए सिफॉन साड़ी। और ये है इसका ब्लाउज, ठीक है। अब मैं एक बात बता दूँ इसका प्राइस, सबसे पहले आपके माइंड में आ रहा होगा इसका प्राइस क्या है, इसका प्राइस है ओनली 500 रुपीज़, ठीक है। इसका प्राइस है 500 रुपीज़ और बहुत ही कम रेट में इतनी अच्छी डील मिल रही है, कलर इतना प्यारा मिल रहा है, प्लस सीक्वेंस ब्लाउज़ मिल रहा है, इतना सस्ता तो मुझे नहीं लगता शॉप में भी मिलेगा, या मुझे नहीं लगता कि इससे चीप रेट में आपको कहीं मिलेगा। साड़ी बहुत अच्छी है, कलर बहुत अच्छा है, ब्लाउज़ बहुत अच्छा है। अब इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये साड़ी में अगर आप बैंगल्स वेयर करेंगे, वॉच, कुछ भी ऐसी चीज़ जो उभरी हुई है, ब्रेसलेट आपका थोड़ा उभरा है, उसमें कोई डिज़ाइन है जो उभरा हुआ है, तो ये साड़ी को छील देगा पूरा। इसका नेगेटिव पॉइंट ये है, अभी तक मैंने इसे बस एक बार ही खोला है और एक आपके लिए अभी खोल रही हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैंने इसे खोला था तो मुझे नहीं लगता, शायद मेरा नेल उसमें लगा, क्या लगा, वो एक लाइन पड़ गई, स्क्रैच पड़ गया, धागा खिंच जाता है ना जो वो होता है, तो इसका नेगेटिव पॉइंट है। तो मुझे ये लगता है कि इसको शायद मैं अच्छे से एक या दो या तीन बार अच्छे से पहन सकती हूँ, अदरवाइज़ मुझे बहुत केयरफुली इसे वेयर करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी उभरी चीज़ होगी, पैनी नोकीली चीज़ होगी, साड़ी को छील देगी क्योंकि इतनी हल्की है। तो इसलिए मुझे लगता है शायद इसका रेट इतना कम उन्होंने लोगों ने किया है, सिर्फ कलर और प्रिंट की वजह से और ब्लाउज़ की वजह से, अदरवाइज़ इसकी वॉर्थ ये है कि वॉर्थ तो उसकी सही है उसके हिसाब से, बट ये नेगेटिव पॉइंट है, बहुत केयरफुली आपको वेयर करना पड़ेगा, इतनी लाइट है कि कोई भी हल्का सा स्क्रैच भी साड़ी ख़राब कर देगा, अदरवाइज़ साड़ी बहुत अच्छी है, बहुत प्रिटी है और कलर भी इसमें बहुत सारे अवेलेबल है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। अब आप मुझे बताना इन चारों ड्रेसेस में आपको कौन सी ड्रेस सबसे अच्छी लगी, प्लीज़ कमेंट में बताना। और ये हॉल मेरा, ये जो हॉल था, मैं चार पाँच दो ये जो हॉल था मेरा, दो तीन महीनों से मैं इसे ट्राई कर रही थी बनाने का, बट टाइम नहीं मिल पाता था, ये ऐसे के ऐसे पड़े थे, आज फाइनली मैंने टाइम निकाल के इनको शूट किया है कि मैं आपको दिखा दूँ और एकदम ऑनेस्ट रिव्यू दे दूँ। तो ये था मेरा अब तक का जो भी छोटा बोल सकते हैं अच्छा लगा होगा। और अगर आप में से कोई इस चैनल में नया विज़िट मेरा किया है, इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं और ये वीडियो देख रहे हैं और अच्छी लगी है देखने में, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। मैं यूँ ही कुछ वीडियोज़ नहीं लेके आपके साथ आती रहूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।